नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर, मैं आप सभी का अपने चैनल टेक एंड टारगेट पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपके लिए सबसे जल्दी लेटेस्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस हम लेकर आ चुके हैं कैपजेमिनी का, जिसमें दोस्तों इन कैंडिडेट ने जो एग्जाम दिया था वो दोस्तों दिया था 21 दिसंबर 2021 को। इंटरव्यू मेल दोस्तों इन पर आ गया था 11th of Jan 2022, और दोस्तों इनका इंटरव्यू आज था, सुबह था 13th of Jan 2022। तो दोस्तों मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। क्योंकि मैं समझता हूँ जो कैपजेमिनी का इंटरव्यू था, ना वो ज्यादा डिफिकल्ट था ना वो ज्यादा इजी था, मीडियम लेवल था। साथ ही साथ दोनों क्वेश्चंस पूछे गए हैं, टेक्निकल प्लस एचआर। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और दोस्तों 2000 लाइक्स का टारगेट बनाकर हम चल रहे हैं। तो दोस्तों पहले चलते हैं कैंडिडेट डिटेल्स पर। पहले दोस्तों इनका नाम है स्पर्श। तो दोस्तों बात करते हैं बैच CSE 2022, और दोस्तों आते हैं इंटरव्यू स्लॉट था दोस्तों 13th of Jan 2022, 10 AM का दोस्तों इनका स्लॉट था। इंटरव्यू ड्यूरेशन की बात करते हैं तो दोस्तों 20 से 22 मिनट्स तक का इनका इंटरव्यू चला था। तो दोस्तों काफी ज्यादा, मतलब इनका जैसे ही इंटरव्यू खत्म हुआ इनका मेरे पास मैसेज आया, क्योंकि दोस्तों इनका हमने शायद 12th of January, हाँ हमने एक दिन पहले ही इनका इंटरव्यू लिया था, मॉक इंटरव्यू लिया था। इन्होंने इवन दो बार दिया था अपना मॉक इंटरव्यू, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में भी। उससे पहले इन्होंने कुछ मैसेज लिखा है, अंशुल भैया आई एम डन विद द इंटरव्यू, माय इंटरव्यू वाज टू गुड, ऑल क्वेश्चंस वर फ्रॉम योर वीडियो, इवन द क्वेश्चंस दैट यू हैव मेंशन इन द एचआर प्लेलिस्ट वाज सेव। हाँ दोस्तों, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारी कैपजेमिनी इंटरव्यू प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो इसको एक बार देख लीजिए, आपको सारे क्वेश्चन दोस्तों यहां से मिलने वाले हैं। और अगर मैं एचआर इंटरव्यू क्वेश्चन की प्लेलिस्ट की बात करता हूं तो 6 वीडियो है, आपका ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट हाँ आपको आंसर देने में काफी ज्यादा आसानी होने वाली है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन भैया, आई ऑलमोस्ट आंसर्ड एवरी क्वेश्चन, और दोस्तों मेरी इनसे फोन पे भी बात हुई, इन्होंने हर एक चीज आंसर कर दी। हम लोग इनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पा रहे, उनकी साइट से शायद कुछ लाइट वाइट का इशू है, तो मेरे को लगा कि ये मुझे इंटरव्यू बहुत ही जल्दी शेयर करना है। और साथ ही साथ बता देता हूं दोस्तों, स्पर्श ने अपना रिज्यूमे रिव्यू प्लस हमें 2 बार मॉक इंटरव्यू भी दिया था, तो अगर आपको भी देना है तो प्लीज टॉप मेट पर जाइए और अपना रिज्यूमे रिव्यू करवा सकते हो, और कैपजेमिनी का मॉक इंटरव्यू स्लॉट भी बुक कर सकते हो। और अगर आपको कोई डाउट है तो फ्री में आप दोस्तों हमसे डाउट भी क्लियर करवा सकते हो। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं इनके इंटरव्यू क्वेश्चंस के साथ। तो दोस्तों पहले मैं आपको हमेशा बोलता हूं, अभी तक मैंने जितने भी स्टूडेंट्स का मॉक इंटरव्यू लिया है, मैं हमेशा बोलता हूं फेस पर छोटी सी स्माइल होनी चाहिए, ग्रीटिंग आपको करनी है। तो दोस्तों यहां मीन सामने से इंटरव्यूअर ने की, गुड मॉर्निंग स्पर्श, अगर आप मुझे अपना मॉक इंटरव्यू दोगे मैं भी काफी अच्छे मतलब एनर्जेटिक वे में आता हूं, मतलब ठीक है। तो आपको समझना है कि जब गुड मॉर्निंग स्पर्श, तो इन्होंने भी गुड मॉर्निंग बोला। हाउ आर यू यार, आप बता सकते हो, आई एम गुड सर, आई हैव हैड माय ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, ऐसा करके आप कुछ भी बोल सकते हो। एंड आप उनसे भी पूछे हाउ आर यू सर, तो आपको भी यार पूछना है, इंटरक्टिव रहना है। तो दोस्तों इनका पहला क्वेश्चन था इंटरव्यूअर का, जो कि सारे इंटरव्यू में ऑलमोस्ट यही पूछा जाता है, जो कि था दोस्तों टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया, अपने इंट्रोडक्शन तो बताया ही बताया, इवन ये बता रहे थे कि सर कि सर उनके पास मेरा रिज्यूमे भी था। इन्होंने जैसे अपने इसमें ML मेंशन की थी, पाइथन मेंशन की थी, और अपने सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी मेंशन कर रखे थे। और यार अगर आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देना नहीं आता तो प्लीज एक बार ये वाला वीडियो देख लीजिएगा, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, आपको आइडिया लगने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन कैपजेमिनी। मैं शॉक हो गया, पहले ही क्वेश्चन इनसे HR क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो यार एक रिक्वेस्ट है यार, कैपजेमिनी के बारे में अच्छे से बताइएगा। और जैसा कि स्पर्श ने क्या बताया कि सर कैपजेमिनी इज वर्किंग ऑन मीन सर कैपजेमिनी इज वर्किंग ऑन लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज लाइक मशीन लर्निंग एज वेल, एंड इवन आई हैव डन अ प्रोजेक्ट ऑन इट। तो इन्होंने बहुत ही अच्छे से ऐसे करके बताया कि मतलब कहीं ना कहीं स्पर्श ने यह आंसर बोला कि सर मैं मतलब इस कंपनी में इसलिए आना चाहता हूं, और आप भी मुझे इस कंपनी में इसलिए लो क्योंकि आपकी कंपनी मशीन लर्निंग में काम कर रही है, तो आपको मेरी जरूरत है, और मेरे को आपकी जरूरत इसलिए है क्योंकि मुझे और एक्सपीरियंस चाहिए मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स पे। तो दोस्तों ऐसे करके आप जब बोलिए, साथ ही साथ यार व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन कैपजेमिनी का भी आंसर आपको हमारी HR इंटरव्यू क्वेश्चन प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन अ कंपनी। तो दोस्तों आप ये आंसर भी बोल सकते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक्सप्लेन मी योर मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट। तो दोस्तों इन्होंने अपना मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, इवन इन्होंने इंटरव्यू से ये भी
इवन इन्होंने इंटरव्यूअर से ये भी पूछा, क्या सर मैं आपको अपना मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट स्क्रीन शेयर करके बताऊं, बट इंटरव्यूअर ने मतलब देखा नहीं, उन्होंने बस एक्सप्लेनेशन मांगा। तो इन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, और जब भी अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हो, एम क्या है, टेक्निकल टेक्निकल स्किल्स यूज्ड, ठीक है, और व्हाट इज द फ्यूचर स्कोप आपके प्रोजेक्ट का, यार फ्यूचर स्कोप क्या है। तो ऐसे कर आप यही सब क्वेश्चंस होते हैं, हमने मानोगे नहीं एक वीडियो भी बना रखा है हाउ टू एक्सप्लेन द प्रोजेक्ट इन एन इंटरव्यू, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, व्हाट इज द यूज ऑफ नंपाई लाइब्रेरी इन पाइथन। तो दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरीज होती है, मैटप्लॉटलिब, नंपाई, पांडास और भी बहुत सारी होती है। तो नंपाई के अगर मैं यूज की बात करता हूं तो दोस्तों न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के काम में आती है। दोस्तों इनसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, और जब भी यार आप मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट आप पाइथन यूज करते ही करते हैं। पाइथन की लाइब्रेरीज लाइक पांडास लाइब्रेरी, पांडास नंपाई तो यूज करना बनता ही बनता है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन के बारे में पूछा था, मैं काफी ज्यादा क्वेश्चन अपने मॉक इंटरव्यूज में भी पूछ रहा हूँ। नॉर्मलाइजेशन के इनके साथ टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन लाइक 1NF, 2NF, 3NF, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नॉर्मलाइजेशन इज बेसिकली वो रिडंडेंसी हटाता है, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर एसेट प्रॉपर्टीज इन डीबीएमएस। यार ये पता नहीं इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है, मैं जहां देखूं ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ए सी आई डी, ए का मीनिंग होता है एटॉमिसिटी, ठीक है, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। फुल फॉर्म के साथ यार आपको पता भी होना चाहिए कि ए का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है, आई का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वेयर डू यू वॉन्ट टू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 to 10 years। ये भी काफी ज्यादा फेवरेट एचआर क्वेश्चंस में से आता है, तो एक बार आप सभी इसकी भी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। और यार अच्छा आंसर देना, आप ये भी बोल सकते हो कि सर इन नेक्स्ट 5 to 10 years आई वॉन्ट टू सी इन अ बेटर पोजिशन इन योर कंपनी। यार कहीं ना कहीं आपको इंटरव्यूअर को यही बता दो, जो मेरे सपने हैं वो है सब कुछ आप ही की कंपनी के लिए और कुछ है ही नहीं। मतलब इंटरव्यूअर को लगना चाहिए हाँ यार इस कैंडिडेट को हायर कर लेना चाहिए। तो आपको ऐसे करके दोस्तों आंसर्स को फ्रेम आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डू यू हैव एनी अदर ऑफर। कभी भी आपसे कंपनी मीन्स कभी भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए, नॉट ओनली इन कैप्स एनी अदर कंपनीज में, अगर आपके पास ऑफर मीन्स कम पैकेज का है तो आप कहीं ना कहीं बोल सकते हो, बट अगर आपके पास ज्यादा पैकेज का है तो मत बोलना, थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि इंटरव्यूअर पे क्रॉस क्वेश्चन आपसे कर सकता है। इफ यू हैव ऑलरेडी हैव अ पैकेज सो व्हाई डू यू वांट कैपजेमिनी और व्हाई यू आर अप्लाइंग फॉर कैपजेमिनी, तो ऐसा करके दोस्तों आप बोल सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आर यू रेडी फॉर रिलोकेशन। ये भी अब काफी टाइम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसमें हमेशा येस आई एम रेडी फॉर रिलोकेशन। लास्ट में दोस्तों दैट्स ऑल स्पर्श, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी। तो दोस्तों मैं हमेशा से बताता हूँ कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछो। आप ये पूछ सकते हो सर व्हाट चैलेंजेस और डिफिकल्टीज डिड कंपनीज फेस ड्यूरिंग द लॉकडाउन, तो ऐसा कर पूछ सकते हो। तो मेक श्योर यार इस पे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछिएगा, आस्क क्वेश्चन, ठीक है, जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये था इनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस। मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, जाकर अपना मॉक इंटरव्यू बुक कर सकते हो, क्वेरी हो क्वेरी पूछ लीजिए। रिज्यूमे रिव्यू करवाना है रिज्यूमे भी रिव्यू करवा सकते हो, मैं आपको आपके रिज्यूमे से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी दोस्तों बताने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को यही एंड करते हैं, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं जल्दी मिलता हूं अपनी नई वीडियो में अपने नए टेक अपडेट के साथ। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।